नमस्कार, शास्त्रीय आयुर्वेद के चैनल में मैं डॉक्टर घनश्याम आपका स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे त्वचा की एलर्जी या एलर्जिक डर्मेटाइटिस के बारे में। आज के इस वक्त में स्किन एलर्जी की तकलीफ काफ़ी कॉमन हो चुकी है। इसमें त्वचा में खुजली, जलन, चकते, ललाई आना आदि लक्षण आते हैं और काफ़ी परेशान करने वाली स्थिति बन जाती है। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं इसके कारणों के बारे में। सामान्य तौर पर एलर्जी ज्वेलरी, परफ्यूम, किसी कपड़े, प्रदूषण के संपर्क में आने, घरेलू धूल, किसी स्पेशल ब्यूटी प्रोडक्ट या क्रीम आदि जब हमारी त्वचा के संपर्क में आते हैं तो शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अगर इन संपर्क में आने वाली चीज़ों को शरीर के लिए हानिकारक समझे तो उनके खिलाफ प्रतिक्रिया दिखाता है, रिएक्शन दिखाता है। यही रिएक्शन त्वचा पर लक्षणों के रूप में उभरती है। कई बार खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि कोई स्पेशल प्रोडक्ट जो हम खाने से शरीर में एलर्जिक रिएक्शन करता हो, किसी फूड एलर्जी हो, जैसे कि कई लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है, कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है, तो उन खाने पीने की चीज़ों से भी शरीर में एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। कई बार कोई कीड़ा वगैरह हमें काट जाए तो उससे भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि वह एलर्जी रिएक्शन हमारे ब्लड में पैदा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्किन एलर्जी के प्रकारों के बारे में। इसके प्रकारों में सर्वप्रथम पहला आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में क्या है कि किसी भी चीज़ के हमारी त्वचा के संपर्क में आने की वजह से जो डर्मेटाइटिस या एलर्जिक रिएक्शन होता है उसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के परफ्यूम, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, कोई ऑयल जिसके कॉन्टैक्ट में आने से, या फिर कोई स्पेशल कपड़ा, जैसे कई लोगों को ऊनी कपड़ों से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो वो त्वचा के संपर्क में आने से त्वचा उसके प्रति एलर्जिक रिएक्शन दिखाती है। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसके बाद आता है एक्जिमा, जिसे एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। एक्जिमा में क्या है कि यह रूखी लाल पपड़ी के रूप में बनता है। इसमें खुजली चलती है और त्वचा रूखी रूखी सी या क्रैक से उसमें दिखते हैं। तो यह एक्जिमा बहुत ही कॉमन रोग है। ये दूसरे प्रकार का है, ये एलर्जी की वजह से ही होता है, इसलिए इसको एलर्जिक स्किन रोगों में ही लिया गया है। तीसरा होता है हाइव्स या पित्ती। नॉर्मल भाषा में, गाँव में जैसे इसको पित्ती बोलते हैं, शरीर पर उभरे हुए चकते के समान जो है उभार लिए हुए चकते बनते हैं, तेज़ उसमें खुजली रहती है, काफ़ी तेज़ खुजली चलती है, तो वो पित्त की तकलीफ होती है। आयुर्वेद में उसको पित्त के रोग बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको हाइव्स बोलते हैं। फिर आता है ग्रेनुलोमा एनुलर। ग्रेनुलोमा एनुलर में क्या है कि गोलाकार फफोले के रूप में लाल चकत्ते बनते हैं अपनी त्वचा पे। इसके अलावा एक होता है लिचन प्लेनस। तो इसमें क्या है कि इसमें चमकदार धब्बे उभरते हैं, यानी चमकीले से धब्बे उभरते हैं। ये आनुवंशिक होता है, मतलब जैसे पिता में है या माता में है तो वो उसकी संतान में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो अब हम चर्चा करते हैं स्किन की एलर्जी में टेस्ट क्या क्या करवाए जा सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें स्किन की एलर्जी है। तो त्वचा की एलर्जी के लिए मुख्य रूप से दो तीन टेस्ट करवाए जाते हैं। सबसे पहला आता है स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन प्रिक टेस्ट में क्या है कि कुछ मात्रा में जो है इसका एलर्जन का सॉल्यूशन त्वचा पर लगा दिया जाता है। वह विभिन्न जगहों पर निशान बनाकर विभिन्न सॉल्यूशन, अलग अलग, जैसे सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग जगह, एक पर्टिकुलर जगह निर्धारित करके और वो लगा दिए जाते हैं। वह इनसे होने वाली रिएक्शंस नोट की जाती हैं कि इनसे शरीर अपने त्वचा में क्या रिएक्शन आ रही है। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या है कि ब्लड का सैंपल ले जाया जाता है लैब में, ले जाकर उसमें विभिन्न प्रकार के एलर्जन वाले केमिकल मिलाए जाते हैं। वह इनसे एंटीबॉडीज बनती है या नहीं बनती है इस चीज़ का परीक्षण किया जाता है। मतलब अगर हम किसी चीज़ के लिए एलर्जिक हैं तो उसके खिलाफ अपनी एंटीबॉडी बनेगी, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ अपने अंदर एलर्जी क्रिएट करती है। तीसरा टेस्ट होता है पैच टेस्ट। पैच टेस्ट में क्या है कि ये एक्जिमा का पता लगाने के लिए काम में आता है। इसमें एलर्जन का केमिकल जो है वो अपने त्वचा पर लगा दिया जाता है और उसको किसी चीज़ से ढक कर रखा जाता है दो तीन दिन तक। तो तीन चार दिनों तक उसका परिणामों को देखा जाता है कि तीन चार दिनों तक ये कोई एलर्जिक रिएक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है।
तो ये पैच टेस्ट होता है, ज़्यादातर जो है वो एक्जिमा के लिए, ये निर्धारण के लिए किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि त्वचा की एलर्जी में बचाव या सावधानी क्या बरतें जिससे हमें ये समस्याएं कम से कम हों। तो इसमें कुछ सामान्य बचाव या सावधानियों के बारे में हम जान लें। सबसे पहला इसमें है कि जिस चीज़ से हमें एलर्जी है, मतलब जिस एलर्जन से हमें समस्या है, उससे दूर रहें। त्वचा को नम बनाए रखें, मतलब मॉइस्चराइज करते रहें, सूखने ना दें। जितनी ड्राई होगी तो एलर्जिक रिएक्शन बनने की संभावना ज़्यादा है, त्वचा की एलर्जी ज़्यादा बनने की संभावना हो जाती है अगर रूखी त्वचा रहती है। तो सूखने ना दें, ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने। इसके अलावा घरेलू उपचारों में जैसे सेव का सिरका हम रूटीन में सेवन कर सकते हैं, जो हमें एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक त्वचा की जो एलर्जी है उससे बचाएगा। एलोवेरा की जेल है जो अपने त्वचा पर लगा सकते हैं मॉइस्चराइजर के रूप में, त्वचा को नम बनाए रखने के लिए। नारियल का तेल लगाया जा सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा जलन हो त्वचा में तो पीपरमेंट का तेल भी हम लगा सकते हैं, घरेलू नुस्खों या बचाव या सावधानी के लिए। तो अब हम चर्चा करते हैं स्किन एलर्जी के उपचार के बारे में। उपचार में क्या है कि इसमें दो तरह के उपचार अपन डिस्कस कर सकते हैं। एक तो जो अंग्रेजी उपचार है एलोपैथी वाला, दूसरा है आयुर्वेद का। पहले हम अंग्रेजी या एलोपैथी वाला उपचार डिस्कस कर लेते हैं। तो स्किन एलर्जी में क्या है कि एलोपैथी या अंग्रेजी चिकित्सा की बात करें तो इसमें सबसे पहले है टॉपिकल चीज़ें, यानी लगाने वाली कुछ क्रीम या ऑइंटमेंट दिए जाते हैं। तो वो क्या है कि एंटी एलर्जिक और स्टीरोइड क्रीम वो ज़्यादातर होती हैं। एंटी एलर्जिक मतलब एलर्जिक रिएक्शन रोकेंगी, स्टीरोइड जो है एलर्जिक रिएक्शन को दबाने का काम करती है। तो ये तो होगी टॉपिकल, लोकल लगाने के लिए। कुछ दवाइयाँ खाने के लिए भी दी जाती हैं जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं, और खाने में भी स्टीरोइड कई बार दिए जाते हैं अगर ज़्यादा समस्या है। तो ये जो है वो अंदरूनी रूप से एलर्जिक रिएक्शन को कम करती है या रोकती है। तो इस तरह से ये दोनों तरह की चिकित्सा एलोपैथी में चलाई जाती है। तो ये जो लक्षणों को जो है दबा देती है, तो अपन जो समस्याएं फील कर रहे हैं वो फील करना बंद कर देते हैं। तो ये तो हो गई अंग्रेजी दवा की चिकित्सा। और अब हम चर्चा करते हैं एलर्जी के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करें कि एलर्जी को आयुर्वेद में पित्त का रोग बताया गया है, यानी पित्त के बढ़ जाने की वजह से ये रोग होता है त्वचा की एलर्जी। तो शरीर में पित्त की मात्रा जैसे ही बढ़ जाती है या विषैले तत्व शरीर में जमा होने लग जाते हैं, तो शरीर साधारण चीज़ों के प्रति भी प्रतिक्रिया दिखाता है, वह त्वचा की एलर्जी बनती है। तो सामान्य चीज़ें क्या है कि जो जिन एलर्जन से या जैसे जिन कारणों से सामान्य व्यक्ति को कोई समस्या नहीं होती, उसमें जिसको एलर्जी की तकलीफ होती है वो सामान्य चीज़ों से भी एलर्जिक रिएक्शन दिखाने लग जाता है। तो इसके उपचार के लिए सबसे पहले अपन बताएं कि आयुर्वेद में जो है इसको पित्त का रोग बताया गया है, तो इसमें बढ़े हुए पित्त रोग को शरीर से दोष को बाहर करना पड़ेगा अगर हमें इसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। तो यानी कि शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आयुर्वेद में दो तरह के उपचार बताए गए हैं, जिसमें खाने की आयुर्वेदिक दवाएं व दूसरी है लगाने की दवाएं, जो शरीर में पित्त को हटाकर एलर्जी रिएक्शन को जड़ से दूर करती हैं। और इसमें एक और चिकित्सा बताई गई है जिसको पंचकर्म चिकित्सा बोलते हैं। तो पंचकर्म चिकित्सा में क्या है कि जो शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करे वो पंचकर्म चिकित्सा है, यानी पंचकर्म चिकित्सा में शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का मुख्य रूप से काम होता है। तो शरीर को डिटॉक्सिफाई करके जो जिस एलर्जन के प्रति हमारी एलर्जिक रिएक्शन बनती है त्वचा की, उसको वो दूर करती है। तो इसमें करीबन तीन प्रक्रिया होती है। एक तो होता है इसमें अभ्यंग, दूसरा इसमें होता है स्वेदन, और तीसरा होता है बस्ती। अभ्यंग में क्या है कि एंटी एलर्जिक आयुर्वेदिक तेल होते हैं, उसको अपने त्वचा पर अप्लाई करके और मसाज चलती है करीबन पौन घंटे, उसको अभ्यंगम मसाज बोलते हैं। तो ये क्या है कि लोकली अपना एलर्जिक रिएक्शन त्वचा का वो दूर करती है। दूसरी प्रक्रिया होती है स्वेदन, अभ्यंग के बाद में स्वेदन होती है, वो 15-20 मिनट तक होती है। दवाइयों की भाप एक चैम्बर में भरी जाती है, उस चैम्बर में रोगी को लेटा दिया जाता है। तो वो क्या है कि शरीर में त्वचा के में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको तेज करता है, और दूसरा अपन ने जो ऑयल लगाया है वो अपने डीप टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाएगा ढंग से। तो दूसरा काम इसमें स्वेदन में हो जाता है। लास्ट में एक प्रक्रिया होती है बस्ती की, जिसमें एंटी एलर्जिक दवाएं होती हैं, उनके काढ़े तैयार करके
और उनका गुदा मार्ग के द्वारा एनीमा दिया जाता है। एनीमा का उद्देश्य अपना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाई अपने एनीमा के थ्रू शरीर में एब्जॉर्ब होती है और वो एलर्जिक रिएक्शन पे काम करती है। तो ये पंचकर्म चिकित्सा इस तरह से चलती है। तो इस तरह से आयुर्वेद में स्किन एलर्जी का जड़ से उपचार संभव है। उपचार के लिए आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप जयपुर दिखाने आ सकते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल में आकर चेकअप करवाइए और फिर आपको यहाँ से उसका उपचार दे दिया जाएगा। पंचकर्म थेरेपी भी अगर चाहते हैं तो वह भी हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आप जयपुर से दूर रहते हैं, जयपुर नहीं आ सकते, तो आप फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना कंसल्टेशन परामर्श लेकर और दवा का कोर्स मंगवा सकते हैं। दवा का कोर्स हॉस्पिटल से आपके पते पर जो भी आप पता देंगे उस पर डाक या फिर कोरियर के माध्यम से भिजवा दिया जाएगा। तो आज हमने चर्चा की त्वचा की एलर्जी या एलर्जिक डर्मेटाइटिस के बारे में। हमने इसके कारण जाने, इसके लक्षण जाने, इसकी रोकथाम कैसे करें इसके बारे में जाना और इसके उपचार के बारे में चर्चा की। तो इस तरह से हमने आज ये पूरा जो स्किन एलर्जी का पार्ट है, त्वचा की जो एलर्जी वाला पार्ट है, वो पूरा कवर किया है। शास्त्रीय आयुर्वेद के चैनल के साथ आप बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि भविष्य में भी हम इसी तरह की जो त्वचा की बीमारियां हैं उनके बारे में आपको बताते रहेंगे, उनके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।